ध्यान रखने योग बहुत जरूरी गल्लां अपना कीमती समा कढ के जरूर पढ़ो। नंबर एक, झुरड़ियां की समस्या नूं दूर करन दे लई नारियल तेल अते शहद नूं मिक्स कर लो। इस नूं अपनी स्किन ते लगा के 15-20 मिनट लई छड्ड दिओ। इस तों बाद हल्के गुनगुने पानी नाल चेहरा धो के साफ कर लो। नंबर दो, ज़्यादातर घरां विच लोग सवेर दे नाश्ते विच ब्रैड बटर आदि चीज़ां दा सेवन करदे हन। इन्हां चीज़ां नाल बच्चों के शरीर नूं पोषण नहीं मिलता, इसलिए बच्चों नूं घर विच बनाई हुई चीज़ सवेर दे नाश्ते विच देनी चाहीदी है, जिस नाल बच्चों की ग्रोथ चंगी तरह हो सके। नंबर तीन, जेकर नींबू पानी पीते समय नींबू के बीज तुहाडे मूँह विच चले जाते हैं तो उन्होंने चबा के खा लो। इस तरह करन नाल कई बीमारियों तो बचा जा सकता है। नंबर चार, चेहरे उपर चुकंदर का छिलका लगाउण नाल क्रीम लगाउण की जरूरत नहीं पवेगी। नंबर पांच, ठंडा पानी पीण नाल बाजपन की बीमारी हो जाती है, लगातार ज़्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिदा। नंबर छे, नींबू का रस कंघी उपर लगा के बालों में फेरन नाल बाल चमकदार ते मुलायम हो जाते हैं। नंबर सत, हर रोज़ एक चमच करेले का जूस पीण नाल शुगर की बीमारी तो बचा जा सकता है। नंबर अठ, ज़्यादा कैलरी लैण तो बचना चाहते हो तो कोल्ड ड्रिंक की जगह पर नींबू पानी के ये मिठे के लिए चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करना चाहिए है। नंबर नौ, जेकर तुसी मसर की दाल का नियमित रूप में सेवन करते हो तो शरीर में खून की कमी नहीं होगी, ये शरीर की कमजोरी भी दूर करती है। नंबर दस, लसन छिल के उस कलियां दरवाजे ते खिड़कियां दे कोल रखण नाल छिपकली नहीं आती। नंबर ग्यारह, जदों तुहाडे फोन की बैटरी लो हो जाए तो तुहानू फोन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उस समय रेडिएशन हजार गुणा ज़्यादा हो जाती हैं जो साडे दिमाग नूं बीमार करन दे लई बहुत काफ़ी हैं। नंबर बारह, जेकर तुसी टॉयलेट जाते समय अपने दंदां नूं दबा के रखते हो तो तुहाडे दंद मजबूत रहणगे अते तुहानू कदे भी लकवा नहीं होगा। नंबर तेरह, वालां नूं बन के रखण नाल दिमाग नूं ताकत मिलती है ते वाल भी घट झड़दे हैं। नंबर चौदह, मूली दे नाल दुध खीरा संतरा करेला ते चाह दा सेवन भुल के भी नहीं करना चाहीदा। इस तरह करन नाल तुहानू ए एसिडिटी जां तेजाबपन दी समस्या हो सकती है। नंबर पंद्रह, आलूआं नूं उबाल के बहुत समय दे लई फ्रिज विच कदे भी नहीं रखना चाहीदा, क्योंकि आलू दे पोषक तत्व जहरीले पदार्थ विच बदल जांदे हन। नंबर सोलह, जेकर पेट विच दर्द हो रहा है तो जीरे नूं पीस के शहद दे नाल चट लो, इस तरह करन नाल तुहानू आराम मिलेगा। नंबर सतारह, सौण तो पहला सौंफ का सेवन करन नाल अखां दी रोशनी तेज हुंदी है, इसलिए एक चमच सौंफ दे नाल दो बदाम खाओ, कुछ ही दिनों विच तुहानू बहुत वधिया रिजल्ट देखण नूं मिलेगा। नंबर अठारह, पथरी होण ते हल्दी अते पुराणी गुड़ नूं खाण नाल पथरी जड़ तो खत्म हो जाती है। नंबर उन्नी, एक चमच जीरा रात नूं पानी विच भिओ के रख दे, सवेरे उठ के पानी पीण नाल लीवर मजबूत हो जाता है, कब्ज़ तो छुटकारा मिलता है, पेट साफ रहता है, नाल ही वजन घट करने विच भी मदद करता है। नंबर बी, हल्दी नमक और सरों के तेल नूं मिला के एक पेस्ट बना लो, फिर इस नाल दंद साफ करो। इस तरह करन नाल दंदां उत्ते लग्या होया कीड़ा मर जाता है, दंद साफ हो जाते हैं। नंबर इक्की, शहद विच मौजूद आयरन की मात्रा अनीमिया के खतरे नूं घट करती है। नंबर बाई, पानी पीण तो बाद कुछ देर चलना चाहिदा है, इस तरह करन नाल बुढ़ापे तक गोडियां विच दर्द नहीं होगा। नंबर तेई, सवेर का खाना खाण तो बाद इलायची खाण नाल सांह फुल्लण की समस्या नहीं हुंदी। नंबर चौबी, बूट गर्मी के मौसम विच घट इस्तेमाल करने चाहीदे हन, इस तरह करन नाल अखां की रोशनी घट नहीं हुंदी। नंबर पच्ची, बिना हाथ धोण तो जिहड़े लोग खाना खाते हैं उन्हां दी याददाश्त कमजोर हो जाती है। नंबर छब्बी, गर्भवती औरत नूं नाशपाती का सेवन जरूर करना चाहिदा है। नंबर सताई, जेकर तुहाडे बाथरूम विच पीलापन आउंदा है तो तुसीं अंदरूनी तौर पर ठीक नहीं हो। नंबर अठाई, हार्ट अटैक की बीमारी तो बचण दे लई हर रोज़ प्याज ते लसण खाओ अते सवेरे एक सेव जरूर खाओ। नंबर उनती, एक साह विच कदे भी पानी नहीं पीना चाहिए, इस नाल सीने विच दर्द होने लग जाता है,
पानी हमेशा तीन सहां विच बैठ के कुट कुट करके पीना चाहिदा है। नंबर 3, नौवां उपर आंवले दे तेल दी मालिश करन नाल अखां दी रोशनी तेज हुंदी है। नंबर 31, जेकर तुहाडे जोड़ां विच दर्द रहिंदा है तां दुध विच कच्चा अदरक उबाल के पीण नाल जोड़ां दे दर्द तों आराम मिलदा है। नंबर 32, जेकर रोटी बनाउंदे समें रोटी दी भाफ नाल हथ जल जावे तां उस उपर बर्फ़ दे टुकड़े दी मालिश कर लैणी चाहीदी है। नंबर 30, मूँह विच पानी भर के नहाउण नाल कदे जुकाम नहीं हुंदा। नंबर 34, नहाउण तों पहलां नक्क कन्न धुनी अते अंगूठे दे नहां उपर सरों दा तेल लगाउण नाल अखां खराब नहीं हुंदियां। नंबर 35, दंदां दा असली रंग हल्का पीला हुंदा है, इस लई ज़्यादा सफेद करन दे चक्कर विच अपने दंदां नूं ना खराब करो। नंबर 36, सीधा नम देसी गां दा घिओ अते सरों दा तेल प्रयोग करना चाहीदा है, रिफाइंड तेल तों जिन्ना हो सके उन्ना ही बचो। नंबर 37, दुध ते कटहल दा इकट्ठा सेवन नहीं करना चाहीदा। नंबर 38, दुध दे नाल नमक ते खटियाई वाली चीज़ां दा प्रयोग नहीं करना चाहीदा, दुध हमेशा इकला ही पीना चाहीदा है। नंबर 39, हर रोज़ एक्सरसाइज जरूर करनी चाहीदी है, इस नाल असीं तंदुरुस्त रहिंदे हाँ ते कई बीमारियों तो दूरी बनी रहिंदी है। नंबर 40, जेकर तुहानू थायरॉयड दी समस्या है तां चाह दे विच काली मिर्च अते सुंड मिला के इस्तेमाल करना चाहीदा है, इस नाल चाह नू रोज़ पीण नाल थायरॉयड दी समस्या खत्म हो जाएगी। लीवर खराब होण दे मुख लक्षण। नंबर 1, अखां चमड़ी दा रंग पीला पैना लीवर खराब होण तों सब तों पहलां अखां चमड़ी अते नौहां दा रंग पीला पै जांदा है, जिस नाल लीवर दे खराब होण दा संकेत मिलदा है। यही नहीं, इस नाल पेशाब दा रंग भी पीला हो जाता है। नंबर 2, उल्टी आना। जेकर लीवर की कोई समस्या है तो इंसान वार वार उल्टी आने जिही लगती है, उल्टी दे नाल खून भी आने लगता है, अजिही समस्या होने पर लीवर की जांच जरूर करवाओ। नंबर 3, ढिड विच सोज आना। जेकर तुहाडे ढिड विच वार वार सोज होने की समस्या हो रही है तो यह लीवर खराब होने का मुख संकेत है। सोज लीवर का लगातार कम वध जाने की वजह करके होती है। ढिड की सोज नूं कदे अनदेखा ना करो अते उस समय डॉक्टर नूं दिखाओ। नंबर 4, नींद ना आना। जदों किसी इंसान का लीवर खराब होने लगता है तो उस इंसान नूं नींद घट आने लगती है, जिस नाल पूरा दिन थकावट अते सुस्ती हुंदी है। नंबर 5, बुखार होना। लीवर खराब होने की समस्या समय रोगी नूं बुखार हुंदा है। जेकर किसी इंसान नूं वार वार बुखार हो रहा होवे अते कुछ दिनों तक ठीक ना होवे तां लीवर का टैसट जरूर करवाओ। नंबर 6, मूँह विच्चों बदबू आना। जेकर लीवर की कोई समस्या हो रही है तो इंसान के मूँह विच्चों बदबू आने लगती है, इस नाल मूँह का स्वाद भी बिगड़ जाता है, जिस करके कोई खाना स्वाद नहीं लगता। नंबर 7, भुख ना लगना। लीवर खराब होने पर इंसान को भुख नहीं लगती, ढिड विच गैस ते एसिडिटी की समस्या होने लगती है, ढिड विच भारीपन रहने लगता है। लीवर दीयां समस्यावां तों राहत पाउण लई अपनाओ ये तरीके। नंबर 1, जैतून दा तेल। भोजन जां नाश्ते विच दिन विच इक वार किसी ना किसी तरह जैतून दे तेल दा सेवन जरूर करो, इस नाल लीवर दी समस्या दूर हुंदी है ते तुसीं हमेशा सुरक्षित रहिंदे हो। नंबर 2, हल्दी। एंटीसैप्टिक अते एंटीऑक्सीडेंट गुणां नाल भरपूर हल्दी शरीर च रोग निरोधन समर्था हैपीटाइस बी सी दे वायरस नूं वधण तों रोकदी है। रोज़ाना दुध विच हल्दी मिला के पीण नाल लीवर ठीक रहिंदा है अते इस नाल कोई रोग नहीं हुंदा। नंबर 3, आंवला। एक अध्ययन अनुसार आंवले दा सेवन लीवर दी समस्यावां नूं दूर करन दा सब तो चंगा तरीका है, इस लई रोज़ विटामिन सी दे गुणां नाल भरपूर 4-5 कच्चे आंवले जरूर खाओ। नंबर 4, ग्रीन टी। लीवर नूं तंदुरुस्त रखण लई सवेरे खाली पेट एक कप ग्रीन टी दा सेवन करो। इस दे एंटीऑक्सीडेंट गुण लीवर च मौजूद विषैले पदार्थों खत्म कर देंदे हन, जिस नाल तुसीं लीवर नाल जुड़ियां बीमारियां तो बचे रहोगे। नंबर 5, करेला। रोज़ एक गिलास करेले का जूस पीण नाल फैटी लीवर की परेशानी दूर होंदी है, इस तों इलावा करेले का जूस पीण नाल लीवर खराब होने का खतरा भी नहीं रहिंदा। नंबर 6, साबत अनाज। फाइबर अते पौष्टिक तत्तां दे होण दे कारण साबत अनाज जल्दी पच जाता है, इस लई लीवर नाल जुड़ियां समस्यावां तों दूर रहने लई होल ग्रेन जां इस दे उत्पादां दा सेवन करो। नंबर 7, टमाटर।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 3-4 ਕੱਚੇ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।